भाई आप छः विधायक वाली पार्टी हैं पिछली बार चार विधायक थे आपके पास समाजवादी पार्टी जिसके पास 111 विधायक हैं उसके लोग आपके पास आते हैं और आप पार्टी भी तोड़ देंगे ये कैसे संभव तो बीजेपी के नेताओं से आप बातचीत करते हैं बिल्कुल करते हैं शामिल भी हो जाएंगे ये चर्चा में आने के लिए आप लोग जो जिस तरह से बयान देते क्यों अखबारों में सुर्खियां हैं आज की आप मंत्री बनने वाले हमको तो पता नहीं है आप बनना चाहते हैं आप ही की तरह एक पत्रकार हमने फिल्म देखा था नायक ऐसा दाव लगा कि मुख्यमंत्री गए राजनीति में हर चीज संभव है ओम प्रकाश राजभर क्या मंत्री बनना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में देखिए हाँ हमारे देखिये जवाब दे रही है हमारी इच्छा अभी इस पे कोई बातचीत न हुई है तो आपसे सीधे हाँ यह नाम बोले तो आप मान बैठे हैं कि बस ये सारी चीजें फाइनल हो जाए तो गठबंधन बीजेपी के साथ हो जाए बात में फंस जाते हैं अभी ता? आप कह रहे हैं पहले सीट तय हो जाए कहाँ से लड़ेंगे क्या पैसे साहब को टहलाते हैं सपा से गठबंधन कर लेते हैं भाजपा का नाम आता है तो मायावती जी का नाम लेने लगते हैं और तारीफ करते हैं योगी जी की आप दावा करते हैं कि चाचा भतीजे का संबंध ठीक कराने में आपकी बड़ी भूमिका थी गोपाल जी कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर बहुत हल्के आदमी वो इतने मजबूत थे तो फिर वो समाजवादी पार्टी में विलय क्यों कर लिए चार बार मुसलमानों ने सरकार बनवाई एक बार भी किसी मुसलमान विधायक ने ये हिम्मत करके बोला कि भाई मुसलमान के बेटा को भी मुख्यमंत्री बनाओ नहीं मुख्यमंत्री में डिप्टी सीएम बनने की बात आपने क्यों नहीं बोला खाली जी हजू करते हो आप लोग वहाँ सहयोग कर रहे थे समाजवादी पार्टी बीजेपी के साथ भी डेढ़ साल ही रहा किसी के साथ टिक क्यों नहीं पाते है उन लोग की कमी है कि कमी आपकी देश में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक उठापटक शुरू हो चुकी है महाराष्ट्र में पवार वर्सेस पवार हुआ तो चर्चा हुई कि बिहार में भी ऐसा कुछ हो सकता है। और इन दावों के बीच में उत्तर प्रदेश के एक चर्चित नेता ने आवाज़ उठाई कि यहाँ भी यानी उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कुछ हो सकता है कि एक बड़ा दल टूट जाए वो नेता अक्सर चर्चा में रहते हैं और वो नेता मेरे साथ इस वक्त है जिनका नाम है ओम प्रकाश राजभर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूर्व मंत्री हैं सर महाराष्ट्र में लड़ाई होती है चर्चा बिहार की शुरू होती है और यूपी जैसे राज्य में जहां पे सरकार के पास क्लियर मैंडेट है वहाँ आपने चर्चा कर दी कि एक दल टूटने वाला है समाजवादी पार्टी इस दावे का क्या आधार है देखिए आधार ये है कि समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक लोकसभा का भी चुनाव लड़ना चाहते हैं कुछ नेता भी और कुछ लोग सरकार में शामिल होना चाहते हैं वर्तमान सरकार में इधर जो विपक्षी एकता गठबंधन बना उस गठबंधन अभी तक जो फिलहाल गठबंधन बना उससे उत्तर प्रदेश में उस गठबंधन की कोई लड़ाई नहीं है ये समाजवादी पार्टी के विधायक और जो लोकसभा चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनका कहना है उन लोगों का कहना है कि आप मायावती जी और जयंत जी जब तक नहीं आएंगे इस मोर्चे में तब तक यूपी में लड़ाई से कोई मतलब नहीं है तो इस नाते उन लोगों का कहना है कि हम लोग अपना भाई भविष्य हम लोग भी देख रहे हैं कि बात हम लोगों के लोकसभा का फाइनल हो जाता तो हम लोग तो उनको भेज जाओ बतियाओ हम उसके मालिक तो है नहीं तो लोग कहें नहीं हम लोग कुछ लोग तो दिल्ली बात भी कर लिए हैं वो ये जानकारी करने के लिए कि क्या हमारी चर्चा हम लोग बात किए हैं तो क्या अंदर तक आने में चर्चा है आप बीजेपी के नेताओं से बात करते हैं तो वहाँ हमारी खबर है नहीं। तो कि नहीं क्योंकि भाई जगह कुछ जगह चर्चा है कुछ जगह नहीं चर्चा है ऐसा हमने उनको बताया तो बीजेपी के नेताओं से आप बातचीत करते हैं बिल्कुल करते हैं शामिल भी हो जाएंगे नहीं शामिल होने का सवाल तो अभी नहीं है चाहिए मिलने की बात है जो झील प्रदेश के जो नेता हैं चाहे डिप्टी सीएम हो चाहे मुख्यमंत्री हो ये मंत्री उनसे मिलते हैं लेकिन जहां तक पार्टी से समझौते की बात है उस समझौते में अभी किसी से कोई बात नहीं मंत्री नहीं बन रहे न बनने का सवाल नहीं है बातें नहीं हो रही तो मंत्री कैसे बन जाएंगे चाहते हैं कौन नहीं चाहता है आप नहीं चाहते हैं। आपको अगर डिप्टी सीएम बनाया जाए या आपको मंत्री बनाया जाए तो आप नहीं बनेंगे अब बन... नहीं हम तो उस धंधे में ही नहीं है हमारा तो धंधा सवाल पूछने का मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ आप बनना चाहते हैं आप की तरह एक पत्रकार हमने फिल्म देखा था नायक हाँ। तो वो भी की तरह व्यक्ति था था नहीं नहीं वो लड़ाना तो अलग भी भी लड़ाया था, भी भी बन लड़ाया विधायक बन लड़ाते हैं नहीं, सवाल वही मैं आपसे आप, जो सवाल किया है तो वो भी यही सवाल किए कि मैं तो पत्रकारिता करता हूं और मैं राजनीति नहीं जानता लेकिन ऐसा दाव लगा कि मुख्यमंत्री बन गए अनिल कपूर ठीक है मैं सवाल पूछने आपसे आया आप अमरीशपुरी की भूमिका में तो ऐसा कुछ संभव है मैं अपने बारे में नहीं पूछ रहा हूँ ओम प्रकाश राजभर क्या मंत्री बनना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में देखिए या नाम जवाब दे हमारी, हाँ हमारी इच्छा अभी इस पे कोई बातचीत न हुई है आपसे सीधे पूछ रहा हूं हाँ या नाम बोल दीजिए अभी तो नहीं अभी नहीं आपने मुझे याद है मेरे कई इंटरव्यूज में एक बात कही है, कि नेता दो मुहा साफ होता बिल्कुल है।, सही बात है आज भी मैं बात मैं कर रहा हूं। सभी नेता दो देर में कुछ बोलेंगे ये सही बात है मैं भी कह रहा हूँ हम भी उसके पक्षधर है पक्षधर मतलब आप भी है बिल्कुल कर... हम हम अपने को छोड़ दें कि हम बहुत हरे चंद है आज अगर मायावती जी तैयार हो जाए तो हम मोर्चे में चले जाएंगे

विधायक लोग घूम रहे हैं सरकार में शामिल होने के लिए दिल्ली भी दर्शन कर रहे हैं लखनऊ भी दर्शन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अरे तो उनकी भी तो मजबूरी है एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा पार्टी छोड़ नहीं सकते हैं, या तो इस्तीफा देना पड़ जाएगा ऐसे तो पार्टी नहीं टूटेगी ये चर्चा में आने के लिए आप लोग जो जिस तरह से बयान देते क्यों नहीं चर्चा में आने के लिए बयान मैं नहीं दे रहा हूँ जो सच्चाई है उसी को बता रहा हूँ कि लोग अपना भविष्य तलाश रहे हैं लोग अपना भविष्य तलाश रहे हैं उस भविष्य तलाशने में चाहे वो विधायकी चली जाए चाहे कुछ भी हो जाए जाएगा लोकसभा का, का टिकट मिल जाए तब उनसे विधायकी से क्या मतलब है तो तो चले जाएंगे कितने लोग को लोकसभा मिल जाए अब संख्या हम नहीं बता सकते एक तो सौ विधायक हैं लोकसभा की अस्सी सीट है बीजेपी के अपने नेता है सबको तो टिकट मिलेगा नहीं तो पार्टी तो टूटेगी नहीं आपने नहीं देखा ये ब्रिजेश पाठक जी बसपा के नेता हैं है ना उनके यहाँ आज फे थे कैबिनेट में दो दर्जन मंत्री जो वर्तमान में हैं बसपा के आए हुए लोग हैं और उस सीट पर जहां बेचारे वो तैयारी थी तो ये बाहर से आए लड़ गए अखिलेश जी ने जवाब दे दिया उन्होंने कहा है कि जो आपके संपर्क में तोड़ लीजिए ले जाइए तो तो ठीक है कहा चिंता कर रहे हैं वो तो हो ही जाएगा वो तो खुदे वहाँ दरबार कर रहे हैं हमको कुछ थोड़ा करना हम भाजपा ही थोड़े हैं वो तो खुद जा रहे हैं वहाँ संपर्क बना लिए हैं सब तैयारी कर लिए हैं वार्ता हो रही है सब कुछ देख ही रहे हैं आप लोग भी समझ ही रहे हैं ऐसा थोड़ा हैं अच्छा एक अभी मैं ट्वीट आ, जब मैं बैठा हुआ था ट्वीट देख रहा था एक सपा के विधायक रह चुके हैं आ, इन्होंने लिखा है आसिर शाह कि जब आप आते थे तो हम शिष्टाचार में खड़े हो जाते थे आपका स्वागत करते थे लेकिन इस सम्मान को आप लोगों ने पता नहीं क्या समझा है क्योंकि सम्मान को संपर्क समझ के कहीं आप किसी समाजवादी विधायक को पार्टी से धोखा देने की राय मत दे बैठिएगा डर है कि कहीं शिष्टाचार दुराचार में ना बदल जाए सीधे धमकी है कि मतलब जो बैठते थे वो दुराचारी ना हो बहुत धमकी देखे हैं बहुत सुने हैं जिन्होंने लिखा है वो अपने समाज को हक दिलाने के लिए लड़े किसी को का धमकी देंगे वो धमकी क्या देंगे समाजवादी पार्टी चार बार मुसलमानों ने सरकार बनवाई एक बार भी किसी मुसलमान विधायक ने ये हिम्मत करके बोला कि भाई मुसलमान के बेटा को भी मुख्यमंत्री बनाओ हिम्मत हुई बोलने की डिप्टी सीएम में बोलने की हिम्मत नहीं हुई कदावर मंत्री थे आजम खान क्यों नहीं बनाए कदावर नेता मुख्यमंत्री के दावेदार थे क्यों नहीं बनाए ये हिम्मत है किसी मैं सदन में ही एक विधायक थे के मैंने सदन में इस बात को कहा कि आप अगर इतने दमदार हैं तो सरकार थी तो आपने जब बहुमत की हुआ था तो मुख्यमंत्री बनने की बात क्यों नहीं किया नहीं मुख्यमंत्री में डिप्टी सीएम बनने की बात आपने क्यों नहीं बोला नहीं। खाली जी हजूरी करते हो आप लोग वहाँ अभी तो उसी सहयोग कर रहे थे समाजवादी पार्टी अरे हम समझौता किए थे कि समाजवादी पार्टी में गए थे हम समझौता किए थे तब तो ना सीना ठोक के बोलते थे ऐसे ही थोड़ा बोलते हैं तो समझौता किए थे उनके साथ आप कुछ एक साल भी नहीं रह पाए मतलब सात महीना सात आठ महीना लग लगभग बीजेपी के साथ भी डेढ़ साल ही रहा हाँ तो भाई हम जिस काम के लिए गए नहीं बाद के साथ टिक क्यों नहीं पाते कोई अपने साथ रखता नहीं तो क्या करेंगे उन लोग की कमी है कि कमी है आपकी दोनों की कमी है आपकी क्या कमी है जब आपने मुझसे कहा कि हम इसको करेंगे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे याद होगा शायद आपको कि दो बार अमित शाह जी लखनऊ आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हमारी पंचायत हुई इसी लखनऊ में ये तय हुआ कि जो राजनाथ जी के जमाने की बनी हुई सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है वो पुरानी है पुनः इसको हम नया करवा लेते हैं तो फिर राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कमेटी बनी कमेटी रिपोर्ट भी ला दी रिपोर्ट सात नौ ग्यारह बांट भी दिया लेकिन उसके बाद जब ये फाइनल हो गया कि नहीं हम नहीं लागू करेंगे चुनाव के समय चुनाव के बाद आप कहते रहे कि होगा होगा सदन में भी आपने देखा कि मुख्यमंत्री तीन से चार बार मुख्यमंत्री ने इस पर कहा कि नहीं हम इसके इसको लागू करेंगे जब नहीं लागू हुआ तो मेरा सवाल नहीं था व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं थी वो लड़ाई जो सत्ताईस परसेंट रिजर्वेशन था पिछड़ों के लिए सबको भागीदारी दिलाने की लड़ाई थी अब मिल जाएगा हम तो लड़ते हैं लड़ना अच्छा ये किसी को उम्मीद थी कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनेगा कोर्ट ने आदेश दिया ना कोर्ट का मामला था राजनीतिक अरे कोर्ट का मामला तो ऐसा ही हो मामला अखबारों में सुर्खियां हैं आज के आप मंत्री बनने वाले यानी कुछ तो बात हुई हमको तो पता नहीं है इतने मासूम नहीं है नहीं नहीं हमको पता नहीं सच्चाई बता रहा हूँ कि अगर उसमें सच्चाई होती तो मुझे पता होता कि पार्टी से समझौता होगा ना मंत्री पद से समझौता नहीं होगा हमको कितनी सीटें मिल रही हैं कहाँ कहाँ हमको लड़ना है क्या क्या, क्या आगे है ये सब सारी चीजें तय होंगी तब ना कि खाली अखबार में छप गया कि मंत्री बन गए अब पता लगा कि कुछ नहीं हुआ मतलब आप मान बैठे हैं कि बस ये सारी चीजें फाइनल हो जाए तो गठबंधन बीजेपी के साथ हो जाए नहीं भैया मेरे हम सात अक्टूबर वंचित समाज जागरण महारैली गांधी मैदान पटना करने जा रहे हैं उसके बीच में लोगों से बात करेंगे बात जैसी होगी वैसी खबर साथ आप अपनी बात में फंस जाते हैं अभी ता? आप कह रहे हैं पहले सीट तय हो जाए कहां से लड़ेंगे क्या हो? ये नहीं जैसे आप कह रहे हैं कि मंत्री बनने जा रहे हैं तो ये सीट या तय नहीं हुई बात कुछ हुई ही नहीं और मंत्री कैसे बन जाएंगे ये तय हो जाए तो मंत्री बन जाएंगे आप कैसे कह देंगे बन जाएंगे अभी कोई बातचीत हुई ही नहीं बन बन जाएंगे हम राजनीति में देखिए कोई असंभावना नहीं है सब संभावनाएं हैं हमारी पहली प्राथमिकता है बहुजन समाज पार्टी आज तक बहन जी के साथ एक तस्वीर आपकी नहीं देखी है और आप जब देखे तब बहन जी का नाम ले मैं चौदह साल रहा हूं उनके साथ मालूम है आप थे। उस जमाने में जो है काशीराम तो जी के आ, जमाने में हाँ। थे, थे। चौदह साल रहा हूं उनको अच्छी तरह जानता हूं जब वो पंजाब होशियारपुर चुनाव लड़ रही थी तब हम लोग प्रचार करने गए थे जब मायावती जी को कोई जानता नहीं था तब से हम लोग उनके साथ काम किए हैं ऐसा नहीं है कि मायावती जी ओम प्रकाश राजभर को आज देश में एक करोड़ आबादी में कौन ऐसा व्यक्ति है जो राजभर को न जानता हो <laughs> वो तो वो तो देखिए आपकी जो अदा है ना इस अदा से तो जाहिर है सब लोग जान गए हैं कि कहते आप कभी किसी के बारे में वैसी साहब को टहलाते हैं सपा से गठबंधन कर लेते हैं भाजपा का नाम आता है तो मायावती जी का नाम लेने लगते हैं और तारीफ करते हैं योगी जी की नहीं ओवैसी जी का नाम आपने लिया शिवपाल जी से कभी पूछ लीजिएगा उनके घर में छह बार मीटिंग किया था सात हम लोग भेज जाते थे हम किसी को धोखा नहीं देते जब शिवपाल जी ने शिवपाल जी थक गए सब लोग थक गए अखिलेश जी ने कहा कि नहीं ना हम ओवैसी को लेंगे ना किसी को नहीं लेंगे सिर्फ वो सिंगल तैयार हुए शिवपाल जी के विषय में किसी तरह सिर्फ तैयार हुए सिंगल हमारे विषय में हमारे साथ भी लोग थे बाबू सिंह कुशवाहा थे नहीं लिया उन्होंने हमारे साथ थे प्रेमचंद प्रजापति जी थे नहीं लिया उन्होंने तमाम लोगों को हमने इकट्ठा किया था सबको छोड़ के आप चले गए नहीं हम छोड़ हमने नहीं छोड़ा हमारी दिखी आदत है हमने बाबू रामपाल को प्रेमचंद प्रजापति को रामसागर बिंद को अनिल चौहान को और बाबू सिंह को सबको ले जाके अखिलेश जी के यहाँ बैठा दिया हमने कहा भैया देखो बात कर लो कल हमको आप धोखा दोगे कि ओम प्रकाश धोखा दे रहे हैं जिसको बतिया लो जिसको जय सीट लेना हो देना हो आप इनसे बात कर लो ले दे लो कल अखिलेश जी ये लोग हमारे ऊपर आरोप लगाए कि आप सीट नहीं देने दो तो लोग तीन तीन बार ले जाके बैठाया तीन बार के बाद लोगों ने कह दिया कि धोखा दे रहे हैं आपको साथ लेंगे ना हम लोगों को साथ लेंगे लास्ट आवर में तब उन्होंने कहा कि लास्ट में आपने देखा होगा कि हम लोग थक गए तब उन्होंने कहा कि आप लोगों के पास है क्या हमने कहा तब फिर इसी पर समझौता हो जो एक रिहर्सल हो जाए तब हमने उनसे कहा कि चलो हमारी आपकी फोटो खाली वायरल करा लो उसके बाद तब समझौता करना जब हमारी उनकी फोटो वायरल हुई तब उनको एहसास हुआ कि नहीं ओम प्रकाश राजभर क्या चीज़ है तब समझौते के लिए तैयार हुए अच्छा आपने शिवपाल जी की बात कही शिवपाल जी आप दावा करते हैं कि चाचा भतीजे का संबंध ठीक कराने में आपकी बड़ी भूमिका थी शिवपाल जी को ले जाना मिलवाना बात कराना वही शिवपाल जी कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर बहुत हल्के आदमी है सही बात कह रहे हैं क्योंकि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी से अलग होकर उन्होंने बनाया इतनी ताकतवर पार्टी उनकी हुई वो इतने मजबूत थे तो फिर वो समाजवादी पार्टी में विलय क्यों कर लिए संबंध खराब हो गया आपके हमारा <laughs> अरे उनकी पार्टी थी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मैं शिवपाल जी साहब के संबंध संबंध नहीं नहीं हमारा ना? कोई खराब है वो आपको ये भी कह रहे हैं कि हम आ जाएंगे जहुराबाद हम मालूम है कि जहुराबाद अभी सत्ताईस में चुनाव है लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई हम आ जाएंगे क्या दिक्कत है चले क्यों नहीं जाते उससे पहले उसके पहले चौबीस का चुनाव है आप लोग भी चिंतित थे ना जहुराबाद मैं जहुराबाद नहीं जाता हूँ आप देखते हैं लखनऊ कभी इधर कभी उधर घूमते रहते हैं लेकिन आप लोग भी चिंतित थे कि आप जाइए क्षेत्र में मैं कहता था कि हम जीतेंगे पचास हजार वोट से आप लोग नहीं मानते थे जहुराबाद के लिए हम काम करते हैं वहां लोगों को लगा रखे हैं उनके सुख दुख में लोग जाते रहते हैं हम भी टाइम मिलता है कभी कभी तो हम भी जाते चुनौती दे रहे हैं हम चुनौती नहीं दे रहे हैं लोकसभा का चुनाव चौबीस का है

राजभर चौहान के लिए क्या किया नाई गुण पाल कुमार लोहार चौरसिया के लिए आपने क्या किया आपने यारा कर्क बंसी बंजारा बहलिया खंघार के लिए क्या किया आप मुसलमानों के लिए क्या किया अठारह परसेंट वोट आपको देता है आप तो उसको कुछ नहीं किया क्यों वोट देगा आपको आज हम खा जेल में रहेंगे तो नहीं जाओगे मिलने और जो निकल जाएंगे तो वोट के लिए वजम खा के यहाँ जाके सलामी करोगे ये कौन सा ड्रामा है मुस्लिम समाज के जो धर्मगुरु है वो यूसीसी को लेकर के विरोध कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए आपका क्या मानना है गोवा में लागू है ना ठीक है दुनिया के अमेरिका बांग्लादेश पाकिस्तान बगल में पाकिस्तान है लागू है ना हमारा मानना है ये देखिए संविधान के दायरे में संविधान के अनुच्छेद चौवालीस में व्यवस्था है कि समान नागरिकता महिलाओं को भी वही अधिकार हो जो पुरुषों के पास तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग नियम है तो सरकार को चाहिए कि सभी धर्म गुरु धर्माचार्य और आदिवासियों के लिए जो अलग कानून है उनका नेतृत्व करने वाले लोगों को एक सगम बैठा करके विचार विमर्श भी करके जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करने की जरूरत है आखिर में चलते चलते फिर सीधा सवाल मंत्री कब बन रहे हैं अभी मुझे कोई पता नहीं चौबीस से पहले बन जाएंगे सात अक्टूबर को बताएंगे ना नहीं है अब राजनीति में हर चीज संभव है राजनीति में हर चीज संभव है योम प्रकाश राजभर की अदा है कि वो कहते वो हैं जो नहीं होता है और जो होता है वो कहते नहीं है और इसलिए मुस्कुरा करके उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही जिसमें वो दावा करते हैं कि गठबंधन किससे होगा कैसे होगा मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे ये सारी चीजों पे घुमा करके उन्होंने जो बात कही वो ये कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का सपोर्ट करते हैं चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो अखिलेश यादव को नसीहत भी देते हैं कि अपनी पार्टी के विधायकों को बचाइए क्योंकि उनके पार्टी के जो विधायक हैं वो बगावत कर सकते हैं और इस स्पीच में ओम प्रकाश राजभर जिनको लेकर चर्चा है कि वो बीजेपी के सहयोगी बन सकते हैं लेकिन कब बनेंगे इसका फिलहाल वो खुलासा नहीं कर रहे हैं तो मैं और प्रशांत लखनऊ में है और यूपी की राजनीति से जुड़े इस तरह के जो पहलू हैं वो दिखाते रहेंगे देखते रहेंगे टॉप